अभी कुछ पीडीएफ दिखाई दे रही है स्क्रीन पे? कोई पीडीएफ दिखाई दे रहा है? इतना क्या नौटंकी चल रहा है भाई? अच्छा पीडीएफ है, एक दिखाई दे रही है, क्या लिखा हुआ है उस पे पीडीएफ पे? ओके राइट, देन इट्स ओके। जब थोड़े बच्चों को दिखाई दे रहे हैं ना तो सबको दिख रहा है। देखो, विद अस इम्पॉर्टेंट कोट, सुपरलेटिव्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। सुपरलेटिव्स होता क्या है? देखो, सुपरलेटिव्स हम क्या बोलते हैं, जैसे आप पढ़ते हो ना सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया या सुपरलेटिव्स ऑफ वर्ल्ड पढ़ते हो, इसका मतलब क्या होता है कि लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट किसके लिए टर्म किया जा रहा है यहाँ पे, उसके डिफाइन में लार्जेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट क्या है, टॉलेस्ट क्या है, इन सब चीज़ों के लिए अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव्स जो है ना, ये हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी से रिलेट अगर हम करते हैं तो ह्यूमन बॉडी से रिलेट क्या हो गया, जैसे कि आपका ह्यूमन बॉडी से रिलेट कैसे, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल क्या है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, हमारी बॉडी के अंदर टोटल मिला के सेल्स कौन से हैं, या फिर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ना उनसे रिलेटेड बोला जाता है। ये हो क्या रहा है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? इतना बकवास है तो आते काहे के लिए हो यार तुम? जबरदस्ती किसी ने हाथ पकड़ के खींचा क्या आप लोगों को? आधे टाइम आके तुम्हें किसी और इंस्टीट्यूट की यहाँ पे फोटोज वगैरह भेजनी होती है। उल्टी सीधी लाइन उन्हें लिखनी है लेकिन वैसे उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। एवरीथिंग इज ओके, आप लोग रिफ्रेश करिए प्लीज, सब दिखाई दे रहा है, रिफ्रेश करिए पेज अपना। ऐसे उठ के आते हैं, आधों को पता नहीं है कि हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा, बस पीडीएफ खोला और लिखना शुरू कर दिया। नहीं, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ये वाला सिस्टम चालू करा है क्या आपने? यहाँ पे देखो चुपचाप से, अभी देखो सुपरलेटिव्स करके अपन डिफाइन करते हैं ना, तो सुपरलेटिव्स हमारे क्या होते हैं कि आपकी बॉडी के हिसाब से कई सारे जो अपना जो हमारे जैसे टॉलेस्ट लॉन्गेस्ट इनके लिए डिफाइन किया जाता है, कई बार इन चीज़ों में ना कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि आपके बॉडी का सबसे छोटा सेल कौन सा है उसको लेके कंफ्यूजन हो जाता है। डिपेंडिंग इन क्वेश्चंस का कोई जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं अगर आपको बोलूँ कि आरबीसी हमारी बॉडी का ना सबसे छोटा सेल है तो यहाँ पे भी मैं गलत हो जाऊंगी, है ना। अगर हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी की सबसे लंबी लंबी मसल्स जो है ना वो कौन सी है, तो हम यहाँ पे चीज़ों को लेके रॉन्ग हो जाएंगे। जिस तरीके से आप किसी एटम को पर्टिकुलरली 100% आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि एटम क्या है, जैसे कि आप मैटर को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करते हो कि पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, जिस तरीके से राज प्लीज करके ये मैसेज करना बंद करो, ये क्या चल क्या रहा है ये? अभी बिना मतलब के बफरिंग लिखा ना किसी ने तो भैया ये फालतू का, जैसे हम मैटर के लिए बोलते हैं ना कि हमारे पास पदार्थ जैसी कोई चीज है लेकिन आप उसको कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कई, मैं अगर एक 5 मिनट अगला और आप लोगों ने ये बफरिंग और ये सारा किया ना तो आई विल स्टॉप द क्लास। अगर 2 मिनट यहाँ पे आपने ये फालतू का लिखा यहाँ पे, यू शुड सी, इतना तो आप लोग सेंसिबल हो कि कहीं से कुछ भी उठ के आ जाते हो क्या सीधा सा? इतना नहीं आप लोगों को दिखाई दे, ये जो बफरिंग वफरिंग लिखते रहते हैं आप लोगों को इतना नहीं दिखाई देता कि बाकी लोग अगर तरीके से लिख रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे नहीं बकवास करी जाए इस चीज को लेके। नहीं, अगर रिफ्रेश करना है, नहीं पढ़ना है ना तो आई विल स्टॉप द क्लास, मेरे भी मजा नहीं आ रहा है। 11 मिनट हो गया है मैं यहाँ पे लगातार बोले जा रही हूँ, आप लोगों को यहाँ पे क्या नौटंकी करने के लिए आना है क्या? ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, दो दो टैब में खुला हुआ है तब भी चीजें बिल्कुल पता लग रहा है, मुझे दिख रहा है दूसरे टैब में कि साफ पता लग रहा है।
इतना फिर अगर जेन्युइन तरीके से, जो जेन्युइन बच्चे नहीं है ना, वो प्लीज करके आप लोग क्लास का भीड़ मत बढ़ाया करो, दूसरे लोगों को भी दिक्कत होती है। सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ने के लिए आया करो, भीड़ बढ़ाने के लिए ना आप लोग मत आया करो प्लीज। क्या ही नौटंकी है, मतलब कोई आएगा किसी और, मतलब हद ही हो गई है भैया, किसी और इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन लेके काट के हमको दिखा रहे हैं कि बताओ आज के बाद आप कभी सौरभ शुक्ला, आप आज के बाद आप मेरी क्लास में तो एटलीस्ट नहीं बैठोगे। दिस इज नॉट द सेंस। किसी और क्लास का लेके आप मुझसे, वो भी बायो की क्लास में, आप मुझे फिजिक्स का वाहियात सा क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट का उठा के, एंड यू आर जस्ट सपोजिंग मी टू टेल यू, आर यू सीरियस गाइस? कल आपके अगेंस्ट किसी ने एक कमेंट किया था तो ही वॉज ओके विद दैट, अच्छा था लिखा था, अच्छा। अगर क्लास नहीं दिखाई दे रही है आपको तो 2 मिनट रुक जाए करो ना, ये सब कुछ आंसर पूछने के लिए, बताने के लिए आप आराम से नहीं करते हो, है ना? लेकिन कुछ ऐसा बफरिंग जैसा कुछ इशू, वही वाली प्रॉब्लम है ना, अच्छी चीजों को नहीं देखोगे आप लोग। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होगा ना, कुछ गड़बड़ होगा, तो आप लोग चिल्ला चिल्ला के उसको लिखोगे, इतना चिल्ला के ना कि उतना तो आप पढ़ने में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो। बाकी सारी सारी टीचर्स की छुट्टी है ना आज, आई स्टिल हैव द क्लास की, पिछला 2-3 दिन नहीं हुआ ना तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ताकि ना यहाँ पे गड़बड़ ना हो, कल भी क्लास खराब हुई इसीलिए क्लास नहीं पोस्टपोन किया, अदरवाइज आई वुड हैव ऑल्सो डन, जैसे बाकी टीचर्स ने छुट्टी किया मैं भी कर देती ना। कितना भी अच्छे से मन से पढ़ाने के लिए आओ ना, कुछ लोगों को आदत है दे हैव टू इंटरप्ट एंड हैव टू डू समथिंग अटरली नॉनसेंस। ओके जस्ट फोकस ऑन, आई डोंट वॉन्ट ऐसा फालतू का कमेंट यहाँ पे, पढ़ने के लिए आते हो पढ़ने के लिए बैठा करो बस। ओके राइट, वापस से नॉर्मल देखो, सुपरलेटिव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग करके आपको इधर से रिलेटेड ना कई बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। इनफैक्ट जो आज की जो आपकी पीडीएफ है पूरी, उसमें से आप लोग देखोगे कि 5 से 6 7 क्वेश्चन जो है ना वो आपको रिपीटेडली पूछे गए हैं। जैसे लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पेज ओनली। देखो आपको अगर पूछा जाता है कि आपके बॉडी की, सबसे पहले तो आपको WBCs और RBCs क्लियर है? जैसे अगर हम यहाँ पे ब्लड को लेके डिफाइन करते हैं, जो लोग नए हैं उन लोग को भी ध्यान में रखते हो ना, कुछ कुछ चीजें डिफाइन करते हैं। जैसे हम ना अपने ब्लड को 2 टाइप से डिफाइन करते हैं, एक होता है हमारा RBCs करके, एक होता है हमारे पास क्या WBCs। एक तो नौटंकी हर चीज का है ना, ये अलग ही नहीं चलता। ठीक है, RBCs और WBCs करके अपन डिफाइन करते हैं। तो ब्लड के कॉम्पोजिशन पे जो मेन 2 तरीके के हमारे सेल होते हैं ना, वो क्या होते हैं? WBCs और RBCs। ओरिजिनेशन आपको पता है कि ओरिजिन कहाँ से करते हैं, दोनों के दोनों ना हमारे कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा करके जिसको बोला जाता है ना, वहां से ओरिजिनेट करते हैं, बोन मैरो या अस्थि मज्जा। अब इस पॉइंट पे आप याद रखिएगा कि RBCs का अपना कोई सब डिविजन नहीं होता, ठीक है? RBCs का अपना कोई सब डिविजन है नहीं है यहाँ पे। RBCs को आप बोलते हो कि RBCs इतने पार्ट्स में डिवाइड है, नो, RBCs का अपना सब डिविजन नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब हम यहाँ पे WBCs की बात कर रहे हैं, WBCs के सब डिविजन है कितना? 5 तरीके से ना WBCs को अपन डिवाइड करते हैं। वैसे तो दो मेन टाइप दो ही होती है, ग्रेन्युलोसाइट जैसे दाने की तरह होता है, या फिर ए ग्रेन्युलोसाइट करके, लेकिन उसमें भी हम उसको और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हमारे पास होते हैं? इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स करके 5 तरीके के होते हैं। इनके अपने फंक्शंस क्या हैं और कैसे आपको ये याद रखना है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है 5 तरीके के ये हैं जिनको आपने न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल करके बोला, जिसमें से मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है ना, ये हमारे क्या होते हैं? ए ग्रेन्युलर, जिनमें दाने नहीं होते हैं। इस डायग्राम को देखो आप, ए ग्रेन्युलर जिसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है, ठीक है? इसमें कहीं पे भी आपको ऐसा दाने नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम ग्रेन्युलोसाइट करके बोलते हैं तो बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स,
ये सारे क्या होते हैं, इनके अंदर दाने होते हैं। ग्रेन्यूल्स वर्ड का मतलब समझते हो ना आप? ग्रेन्यूल वर्ड का मतलब क्या है? ग्रेन्यूल वर्ड किसके लिए हम बोलते हैं? जैसे दानेदार जो चीजें होती है ना, ग्रेन से रिलेटेड पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स उससे रिलेटेड। तो आप लोग याद रखिएगा, जब भी हम इससे रिलेटेड बात करेंगे, हमेशा ये पॉइंट याद रखिए कि इस WBC में हमारी सबसे छोटी जो WBC है वो कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। ठीक है, इसमें जो सबसे छोटी जो WBC है वो कौन सी है आपकी? लिम्फोसाइट। और सबसे बड़ी जो WBC बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? मोनोसाइट करके। क्या ये क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से पूछा जाता है? नहीं, आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो साइज के हिसाब से, साइज ये जो मैंने अभी बताया, ये जो आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट लिखे हैं, ये किसके हिसाब से हैं? ये आपके साइज के हिसाब से हैं कि इनका साइज क्या है। तो सबसे छोटा अपने ने डिफाइन किया तो लिम्फोसाइट हो गया, सबसे बड़ा अपन ने बोला तो क्या हो गया? मोनोसाइट करके। लेकिन अगर मैं आपको इसकी परसेंटेज या हमारे बॉडी में इसका रेशियो क्या है उसके हिसाब से बोलेंगे, तो फिर वो डिफरेंशिएशन किसके बेसिस पे होगा? नंबर के बेसिस पे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारी बॉडी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले सेल्स कौन से हैं रेशियो या नंबर के हिसाब से, तो सबसे कम मात्रा में कौन से पाए जाते हैं? बेसोफिल्स। ठीक है, सबसे कम मात्रा में कौन पाए जाते हैं? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स सबसे कम, कितना? 0.5 से 1% जो है ना वो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? बेसोफिल्स होते हैं। और अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो 60 to 70% जो है ना वो हमारी बॉडी में क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स। 60 से 70% जो है ना वो हमारे पास सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल्स मौजूद होते हैं। तो दो कॉन्टेक्स्ट यहाँ से याद रखने हैं, पहला कि सबसे छोटा हमारी बॉडी में सेल का जो साइज है WBCs का वो लिम्फोसाइट है, सबसे बड़ा WBCs आपको पूछा जाए तो मोनोसाइट पूछा जाए, सबसे कम मात्रा में जो WBC मौजूद है वो बेसोफिल हो गया, और सबसे ज्यादा मात्रा में जो हमारे पास WBC मौजूद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल करके। पहला चैप्टर, पहला पेज क्लियर है यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इनमें होती है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और पेपर में आता है इधर से क्वेश्चन, तो किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे नेक्स्ट जो कंफ्यूजन हो वो लिखो आप यहीं पे अभी के अभी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे RBCs का लाइफ कितना होता है? इन ये तो आप सबको क्लियर है, लेकिन अगर आपको ये RBCs की लाइफ कभी कभी क्वेश्चन में वेरिएशंस में आते हैं तो भी याद रखिएगा। जैसे 100 से पूछा जाए आपको RBCs की लाइफ जो है वो बेसिक कितनी होती है, अगर आपको ऑप्शन में 100 दिया हो ना, 100 दिया हो तो भी चलेगा। ठीक है, 100 भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में 110, 109, 100, 105 ऐसी वैल्यू भी दी जाती है, तो आप 100 to 120 जो है ना वो याद रखोगे। RBCs आपको यहाँ पे दिखाई देता है, RBCs दिखाई दे रहे हैं ये छोटे छोटे, आपको ये टैबलेट जैसा, बाउल जैसा, या जैसे भी आपको ये नजर आ रही है, दे आर डिफाइंड एज व्हाट? दी RBCs। इनकी शेप क्या होती है? आपका बाइकॉनकेव शेप करके बोला जाता है। अभी आपको यह कटोरी, ये कटोरी जैसा है, लिटरली कटोरी जैसा, कैसे है देखो, इनके बीच में ना अंदर में ये खाली है, बिल्कुल खाली है, और इनके अंदर में हमारे पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन रखा हुआ है। ठीक है, हीमोग्लोबिन करके अपन ने इसके अंदर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो आयरन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब ये सेल आपको इस PDF पे इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको पता है ना कि ये RBC हमारे बॉडी का सबसे छोटा सेल है, हमारी पूरी बॉडी का सबसे छोटा सेल जो है ना वो कौन सा? हीमोग्लोबिन। इसमें भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ जाती है। इसमें कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्या है आपकी, कि हमारे ये कौन है भाई? अरे चीजों को डेली पढ़ा करो, डेली क्लास में आया करो, बीच में फिर उल्टा सीधा ही किसी दिन कुछ निकल जाएगा ना, फिर आप ही लोग उसको कट करके बोलोगे कि भैया उल्टा सीधा बोल दिया, और ये सारी चीजें क्यों नहीं समझ आते हैं आप लोग? क्यों क्लास में डेली नहीं आते हो? आपको इतना ऑलरेडी वो एक तो लाइन में लिखा है, इसका भी नोट क्या बनाओगे पहले तो ये बता दो, इसके भी नोट्स आपको बनाने की जरूरत है? सिंगल सिंगल लाइन में लिख के दिया है, फिर कहाँ से नोट्स बनाने की जरूरत पड़ रही है? पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, जब पंचायती करनी है ना बिना मतलब की, जब केमिस्ट्री पहले हो चुकी है ना, दो दो तीन दिन केमिस्ट्री, 4 दिन इनफेक्ट केमिस्ट्री हुई है, आज बायो की क्लास है, ये बहुत दिन से पेंडिंग था, काफी सारे बच्चों ने बोला था यहाँ पे, तो इसलिए आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं। फिजिक्स पढ़ाओ तो केमिस्ट्री चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ाओ तो बायो चाहिए, बायो पढ़ाओ तो केमिस्ट्री, क्या चाहिए, क्या चलता है? इतना माइंड को वो करके ना ऐसा
गड़बड़ करके ना आप लोग कुछ ही नहीं पढ़ पाओगे। मैंने ना ये कल की क्लास में ही बोला था, आज मैं वापस एक चीज ना आपको बोलती हूँ, और इसको ना जरा दिमाग में डालिएगा आप लोग, ठीक है। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, मतलब ये चीज, ये लाइन जो मैं बोल रही हूँ वो मुखर्जी नगर के जो टीचर्स है ना उनके बीच में बड़ी फेमस है। एक लाइन आप सुन लो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। इतना मन से मैं पीडीएफ बना के लेके आई थी, इतने सारे आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, लेकिन नहीं, आप लोगों को अपना पंचायती करे बिना कहाँ जाता। एग्जैक्टली गौतम, पूरी मुखर्जी नगर में ना टीचर्स के बीच ये फेमस है। दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक होते हैं विद्वान करके और एक होते हैं बुद्धिमान, ठीक है। जो बुद्धिमान होते हैं ना वो अपना पढ़ते हैं चुपचाप, सही चीजें उठाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है उनको उठाते हैं और चले जाते हैं, राइट। जो जो लोग यहाँ पे बुद्धि लगाने की कोशिश करते हैं ना, या ज्यादा विद्वान बनने की कोशिश करते हैं, ये विद्वान वाले जो बच्चे हैं ना, ये क्या करते हैं, ये हर टीचर के पास जाते हैं, उसके पास रिसर्च करते हैं। अगर उसकी पीडीएफ इंग्लिश में है तो पीडीएफ हिंदी की चाहिए, अगर पीडीएफ हिंदी में है तो इंग्लिश की चाहिए। दोनों है ना, दोनों अगर तरीके की पीडीएफ है तो कंटेंट में कोई दिक्कत होगी, और अगर कंटेंट में भी कोई दिक्कत है ना, मतलब कंटेंट भी बिल्कुल सही जा रहा है, तो साला टीचर में कोई दिक्कत है, ठीक है। मतलब इतना कैसे हो सकता है ना, इतना कैसे, मतलब आप ये हर चीज तो सही कैसे हो सकती है ना, फिर तो पक्का इस टीचर में कोई दिक्कत है। भैया ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा मत करो। जो विद्वान होंगे ना वो रिसर्च करते ही रह जाएंगे, जिंदगी भर रिसर्च करते रह जाते हैं, 40 40 50 50 साल के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, फिर भी पीएचडी ही कर रहे होते हैं, ठीक है, फिर भी पीएचडी कर रहे होते हैं किसी सो कॉल्ड यूनिवर्सिटीज में, और हमारी देश की जो गवर्नमेंट है, जो हमारे रिस्पेक्टेड पीएम हैं, उन लोगों की ये लोग बुराई करने में ना जरा भी नहीं सोचते। दे आर कॉल्ड एज रिसर्चर्स। ज्यादा विद्वान होना ना खतरनाक होता है, ठीक है। बुद्धिमान बनो, अपनी तैयारी करो, एग्जाम निकालो, जिस चीज से समझ आए उसको पढ़ो, और जब सामने वाला अगर एक आप लोगों के लिए कुछ तैयार करके चीजें लेके आया है और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लेके आया है, तो प्लीज करके ना उसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करो। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अदरवाइज मैं भी थ्योरी की कोई मेरी पुरानी पीडीएफ होती, मैं उठा के लेके आती, वही आपको पढ़ाती, ठीक है। आगे से नहीं, पंचायती नहीं चाहिए, पंचायती करना है तो आप निकल जाओ, कोई बात नहीं। यहाँ पे बहुत ऐसे बुद्धिमान बच्चे बैठे हैं, मुझे विद्वानों की ना बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, वापिस आरबीसीज के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो एक बार याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट करके एक पॉइंट याद रखिए, जब भी हम यहाँ पे आरबीसीज की लाइफ के लिए बात करते हैं ना, तो इसमें दूसरा पॉइंट मैं क्या बताती हूँ, 1 to 1। अच्छा हाँ, सबसे छोटा सेल जो है ना, सबसे छोटा सेल करके अपन डिफाइन करते हैं ना, तो सबसे छोटा सेल जो है वो आपका यहाँ पे आरबीसीज। मैंने आपको अभी तक आरबीसीज ही बताया है, ठीक है, अभी तक अपन ने ना आरबीसीज ही डिस्कस किया है। यहाँ पे आरबीसी हमारे पूरे बॉडी का सबसे छोटा सेल है, लेकिन एक्सेप्शन, साइंस इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। सिर्फ बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नहीं है, पूरी की पूरी साइंस जो है ना वही फुल ऑफ एक्सेप्शन है। आप में से कोई भी मुझे ये बता सकता है कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल, अगर मैं आरबीसी नहीं बोलूं तो इससे भी कोई छोटा सेल हमारी बॉडी में है क्या? मैं, अरे नहीं, स्पर्म्स वाला कॉन्टेक्स्ट अभी हटा दो, यहाँ पे ना फीमेल और मेल वाला जो पॉइंट है ना उसको बीच में इंक्लूड नहीं करो, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। स्पर्म्स को हटा दी, यहाँ पे स्पर्म्स की बात नहीं कर रहे अपन, नहीं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में से कुछ भी नहीं। लेट सी, किसी को कुछ उससे रिलेटेड आइडिया? हीमोग्लोबिन इज नॉट अ सेल, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन जो हमारे इस आरबीसी के अंदर मौजूद होता है। कभी भी गलती से हीमोग्लोबिन को प्रोटीन नहीं बोलिएगा। मायोग्लोबिन इज अगेन अ टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट अ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ पूछा है ना, तो उसके आंसर किस सेंस में देने हैं इसका भी जरा सेंस लगाओ। अब मैंने बोला सबसे छोटा, तो ये माइकोप्लाज्मा हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है क्या? मैंने अपनी बॉडी की बात की है, मैं बाहर की बात नहीं कर रही। माइकोप्लाज्मा हमारी बॉडी में नहीं होता, हम बैक्टीरिया हम नहीं पाल रहे हैं ना, हम वैसी बहुत सारी चीजें पाल रहे हैं, तो हम बैक्टीरिया पाल के क्या ही करेंगे, है ना। थोड़ा सा ना इसमें मैं बताती हूँ, यहाँ पे ध्यान से, न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल। ये कैसा दिमाग है कि अगर मैं सबसे छोटा पूछ रही हूँ और मैं आरबीसी मना कर रही हूँ? एग्जैक्टली पवन, कहाँ पे ढूंढ लिया है, साथ साथ गूगल बराबर चलता है।
यहाँ पे सबसे छोटा सेल अगर हम आरबीसीज को डिफाइन करते हैं तो ऑन एन नॉर्मल बेसिस हमारे पास जो है ना वो आरबीसी जो है ना वो सबसे छोटा सेल है. लेकिन द पॉइंट जैसे उदय ने बोला यहाँ पे उदय पवन पवन ने बोला हमारे ब्रेन का जो सेरिब्रम वाला हिस्सा होता है ना हमारे ब्रेन में सेरिब्रम वाले हिस्से में हमारे पास सेल होते हैं छोटे छोटे जिनको हम बोलते हैं ग्रेन्यूल्स या ये ग्रेन्यूल सेल ही होते हैं जो हमारी जो IQ है ना उस लेवल को बढ़ाने का काम करता है या छोट उसको मल्टीप्लाई करने का काम करता है. तो ऑन एन एक्सेप्शन वैसे हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल आरबीसी है. अगर खुदा ना खास्ता कभी एग्जाम में आरबीसी नहीं दे के ग्रेन्यूल सेल दे दिया या आरबीसी के साथ ग्रेन्यूल सेल दिया है तो आंसर आपका क्या होगा उस कॉन्टेक्स्ट में ग्रेन्यूल सेल. वहां पे जाके फैल मत जाना कि सबसे छोटा सेल पूछा है और आरबीसी तो हमें पता ही नहीं है आरबीसी ही पता ही ये और तो ऑप्शन ही नहीं है. तो जरा ना उस कॉन्टेक्स्ट में ठीक है. WBCs का लाइफ RBCs का हमारा लाइफ स्पेन जो है ना वो 120 दिन का होता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं करते हैं. इनको मरना है तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया हमने. अगर हम लाइफ स्पेन की बात करते हैं WBCs की तो उनकी होती है 2 से 5 दिन. ये एवरेज है. कुछ कुछ WBCs कुछ मिनट्स में कुछ घंटों में ही मर जाते हैं और कुछ जो WBCs हैं वो 20 20 दिन लगा लेते हैं. तो ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट आप याद रखिएगा कि लाइफ स्पेन ऑफ WBCs इज रिलेटेड टू व्हाट 2 से 5 दिन. अगेन डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम 3 से 6 दिन आ जाए 2 से 4 दिन आ जाए 2 से 5 दिन आ जाए तो भी आप याद रखिएगा कि यहाँ पे होल्ड ऑन होल्ड ठीक है याद रहेगा ये सारी चीज. इतना भी कुछ ही कर लो ना कुछ नहीं हो सकता. उतना ऊपर कहाँ चले गए. ओके ग्रेन्यूल्स करके ठीक है. नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन ब्लड क्लॉटिंग का टाइम कितना होता है दैट इज हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड बाय योर ब्लड टू मेक द क्लॉटिंग. जैसे आपको चोट लगी है ठीक है. चोट लगने के बाद जैसे वूंड हुआ है यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा. वूंड अगर होता है यहाँ पे जैसी चोट लगता है ना तो जब ऊज लग जैसे ही ऊज हुआ यानी कि चोट लगा खून बाहर निकला कितना मैक्सिमम और मिनिमम टाइम लगता है ये याद रखिएगा. ये है क्या 3 से 6 मिनट एग्जैक्टली लग किस में रहे हैं ये भी याद रखिएगा. 3 से 6 मिनट जो है ना वो फाइब्रिनोजन को कलेक्ट करने में लग रहा है ठीक है. फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलना है उसके बाद थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना है और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जो प्रोटीन का जो कैस्केडिंग मैकेनिज्म है सीधा सा मैंने आपको इसका रिलेटेड कैस्केडिंग मैकेनिज्म पूरा एक्सप्लेन किया है एक दो बार. बाकी ब्लड क्लॉटिंग डिटेल में करेंगे तो कर लेंगे. इसको कैस्केडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं. तो ये हमारी बॉडी पे जाता है जहाँ पे भी चोट लगी है उसको कवर करता है. फाइनल जो लेयर बनती है वो फाइब्रिनोजन की बनती है. तो ये होने में कितना टाइम लगता है 3 से 6 मिनट ठीक है. ये नीचे वाला आपको पता ही है यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड कौन होता है ए बी. यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है ओ बी. इस ओ ओ ओ ओनली ओ ठीक है. इस चार्ट में एक बार देखिएगा कौन सा किससे ब्लड ले सकता है किससे नहीं. अगर हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करते हैं तो ए बी प्लस को यहाँ पे देखेंगे और अगर हम ओ डोनर की बात करते हैं तो ओ माइनस ठीक है. प्लस और नेगेटिव जो है वो आर एच फैक्टर के हिसाब से डिफाइन किया जाता है कि आर एच फैक्टर जो पॉजिटिव है नेगेटिव है. अगर आर एच फैक्टर अवेलेबल है तो उसको हम पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं. आर एच फैक्टर अगर एबसेंट है तो उसको नेगेटिव ब्लड एबसेंट तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव सारे हैं. अभी किसने डिस्क्राइब किया एक बार ये चार्ट जो है ना वो पूरा यहाँ पे पढ़ना है. मैक्सिमम ब्लड ग्रुप जो पाए जाते हैं वो ओ और ए के पाए जाते हैं बी ऑन एन एवरेज. सबसे कम ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी प्लस और ए बी माइनस वालों का पाया जाता है जिसमें से रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप जो है वो आपका ए बी माइनस. ये क्वेश्चन भी आपको पूछेंगे तो आज के बाद याद रखिएगा. अगर आपको पूछें कि आउट ऑफ द 6 आउट ऑफ द 8 ब्लड ग्रुप्स जो हमारे पास हैं एलेलीज के हिसाब से हम बोल रहे हैं तो ए प्लस माइनस बी माइनस प्लस ए बी माइनस प्लस और ओ प्लस माइनस इनमें से आपको पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा मौजूद होता है तो आप ए प्लस करके आंसर याद रखिएगा.
और सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप पूछा जाए कि सबसे कम ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है, तो AB-. AB- इस पूरी दुनिया में खाली 1% लोगों के पास है, ठीक है। और अगर इसको डिफाइन करें उसके हिसाब से तो बहुत बड़ा रेशियो है कि हजारों में से एक लोग का ना AB- ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर करके आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, सामान्य रुधिर दबाव यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है ना वो कितना होता है, तो 120/80 mmHg करके याद रखना है। मरकरी में ये नापा जाता है 120/80। अश्विन ऐसे सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप नहीं है, पूरी दुनिया में मिला के तकरीबन तकरीबन मैंने आपको पहले भी बताया था 56 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास बहुत कॉमन है हम सिर्फ उनकी बातें करते हैं, हमारे पास जो 8 सबसे ज्यादा कॉमन है उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे 56 ब्लड ग्रुप्स ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड में है किसी ना किसी के। हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप इसलिए बात कर देते हैं कि बॉम्बे के लोग होते हैं थोड़े से स्पेशल, तो उनके ब्लड ग्रुप्स भी थोड़े से स्पेशल हो जाते हैं। तो बॉम्बे वाले जो लोग होते हैं ना उनका ब्लड ग्रुप डी करके डिफाइन किया गया था। तो काफी देखो, अमीर गरीब का तो मुझे नहीं पता, बट बाय हार्ट बॉम्बे और इस साइड के लोग बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी जेन्युइन पीपल्स एक्चुअली, अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे, वेरी जेन्युइन पीपल। उनको पता है रोड पे कैसे चलना है, कैसे हॉर्न नहीं बजाना है, या अब मैं सारी जगह तो जाके नहीं बोलूंगी, नाला सुपारा जाऊँ या फिर मैं कहाँ जाऊँ, एक एक पर्टिकुलर मैं ऑन एन एवरेज चीज़ों की यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। ऑन एन एवरेज चीज़ों की, अब नेगेटिव लोगों को तो नाला सुपारा ही दिखेगा, या जो लोग खुद से ही नेगेटिव है उनको क्या दिखेगा, उनको नेगेटिव चीज़ें ही देखना है। वेरी गुड, दिस इज एक्चुअली शोज आपका। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब हम ह्यूमन बॉडीज के फैक्ट ही बोल रहे हैं तो मैं बता दूँ, द पॉइंट इज दिस, हमारे बॉडी में ना दो तरीके के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, एंडोमॉर्फिन और कॉर्टिसोन। जब आप खुश होते हो ना तो आपकी बॉडी में ना कॉर्टिसोन रिलीज होता है, और जब आप दुखी होते हैं ना तो एंडोमॉर्फिन, और जितना नेगेटिव आप होगे ना आपकी बॉडी में उतना ही एंडोमॉर्फिन जो है ना वो रिलीज होगा। दिस विल मेक ओनली नॉट यू नेगेटिव, जबकि पूरा जो पार्ट है ना आपकी बॉडी का, इनफैक्ट आपकी जो एनवायरनमेंट है ना उसको भी नेगेटिव कर देगा। बॉम्बे ना ऐसे ही आपकी कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल नहीं बोली जाती है, देर इज समथिंग गुड इन दैट, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे। ओके, एनीवेज, नॉर्मल पल्स स्पीड एट बर्थ बच्चे की कितनी होती है, जब बच्चा एक पैदा होता है तो उसकी जो पल्स रेट होती है ना वो 140 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। ये याद रखिएगा, नॉर्मल पल्स रेट जब 1 साल का बच्चा हो जाता है तो उसकी जो नॉर्मल पल्स रेट है वो 120 हो जाती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मदर वूम में बच्चा होता है ना, जब बच्चा पेट के अंदर होता है ना यहाँ पे, तो मतलब पैदा होने से पहले जब बच्चा मदर वूम के अंदर होता है, जब उसका पूरा बॉडी, और स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग से देखो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, मैंने आपको बताया ना पहला ऑर्गन जो बनता है किसी भी भ्रूण के अंदर वो क्या होता है, हार्ट, है ना। जब हार्ट बनता है ना उस टाइम पे उसकी जो ब्लड की सर्कुलेशन की जो रेट होती है वो लगभग लगभग 240 होती है, ठीक है। तो धीरे 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 यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी और जो सर्कुलेटरी रेट है वो धीरे धीरे इंक्रीज या डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इन दिस केस ये हमेशा डिक्रीज होगा, 240 से शुरू होता है, 180 पे आ जाता है, 140 जब बच्चा पैदा होता है तब हो जाता है, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसमें 120 हो जाता है। धीरे धीरे जो है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा डिक्रीज होता है, जैसे हमारे केस में हम 70 मिनट, 70-72 मिनट हमारी पल्स रेट रहती है। आप मुझे ये बताओ इसका रीजन क्या है, क्यों ये 240 से जो पल्स रेट है ना वो 72 हो गया है, या फिर न्यू बॉर्न बेबी जब बनना शुरू होता है, भ्रूण का जब डेवलपमेंट होता है ना तो 240 क्यों होता है। देखो वर्ल्ड सैफुद्दीन, दुनिया छोटी है या नहीं पता, लेकिन दुनिया गोल जरूर है ना, जियोलॉजिकल जियोइड शेप तो जरूर है। तो व्हाट वी विल डू विल गेन, ये चीज ना कभी भूलना नहीं, जो बोओगे ना वही काटोगे आगे। नेगेटिविटी बोओगे तो एक लाइफ की स्टेज पे जाके ना हर चीज नेगेटिविटी हो जाएगी। थोड़ा सा ना चीजों को बेटे, हर चीज जरूरी है लाइफ में, हर चीज जरूरी है, लेकिन ना जो तरीके होते हैं ना उनको चेंज नहीं करिएगा। नेगेटिव चीजों के साथ रह के ना बहुत खराब जिंदगी जीनी मुश्किल हो जाएगी, मैं आपको बता देती हूँ।
ओके ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट जो मैंने आपको पूछा, 240 से 72 या स्टार्टिंग में जो है ना वो अगर 240 करके डिफाइन किया जाता है, तो 240 जो है ना ये इतना ज़रूरी इसलिए होता है कि हार्ट जो है ना वो ज़्यादा डेवलपमेंट या ज़्यादा जो ब्लड है उसको तेज़ी से फ्लो करता है, ऑर्गन्स की डेवलपमेंट के लिए उसको ऑक्सीजन फटाफट से सप्लाई करनी पड़ती है, तो ये जल्दी 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 ब्लड को पंप करेगा और ऑक्सीजन पंप फटाफट होगा, ऐसा ब्लड जो है ना ये मतलब हार्ट जो है ना वो पंप करना शुरू करेगा। इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट द ऑक्सीजन टू दी ऑर्गन्स, यानी कि सीधा सा अगर मैं बोलूँ तुषार, बिल्कुल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन इज रिक्वायर्ड एज एनर्जी बाय देम इज दी मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा नॉर्मल पल्स रेट जब 10 साल का बच्चा हो जाता है तो 90 टाइम्स हो जाती है, और जब हम अडल्ट की बात करते हैं तो 70 से 70 के आसपास, ठीक है 70 पल्स रेट बोला जाता है। पल्स रेट का कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा, जितना हमारा हार्ट रेट रहता है हमारी पल्स रेट रहती है उससे थोड़ी सी कम, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो डिफरेंस है ना वो याद रखिएगा। और ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं, अगर किसी ऑप्शन में कभी आपको पल्स रेट अडल्ट की पूछी जाए और 70 और 72 दोनों ऑप्शन में दिए हों, यानी कि 70 और 72 दोनों ऑप्शन दिए हो ना, तो आंसर आपको पल्स रेट 70 ही मार्क करनी है। यहाँ पे ये फिर से कंफ्यूजन हो जाता है, हार्ट रेट अलग है पल्स रेट अलग है राइट। जब डॉक्टर आपको यहाँ पे ऐसा चेक करता है ना कभी जाके फटाफट से यहाँ पे पकड़ता है, तो वो पल्स रेट चेक करता है, ठीक है, और उसकी पल्स रेट से वो पता लगाता है कि हार्ट कहाँ चल रहा है, चालू है हार्ट सही से कि नहीं है। ठीक है, तो ये 70-72 का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। लार्जेस्ट वेन आपको पता है वीना कावा करके बोला जाता है, लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो एब्डोमिनल अरोटा करके बोला जाता है। हमारी किडनी का जो भार है वो कितना होता है, 150 ग्राम एक किडनी का। हमारा मस्तिष्क का जो वेट है वो 1220 से 1400 ग्राम बोला जाता है। हमारा हार्ट का जो वेट है वो तकरीबन तकरीबन अपनी क्लोज्ड फिस्ट के आसपास होता है, तो वो 250 ग्राम करके बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये सारे स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड की इसकी ये जो पूरी हमारी नेक से सर्वाइकल से लेके हमारा नीचे तक जो जहाँ पे हमारा ये सैक्रल को काइजल जा रहा है ना, उसमें मेरुदंड की जो पूरी लंबाई है वो 42 से 45 सेंटीमीटर्स होती है, जिसको हम स्पाइन करके टर्म करते हैं। जो हमारा क्रेनियल जो जोड़े हैं, कितना हमारे पास क्रेनियल जो जोड़े हैं, जो हमारी ब्रेन से जो हमारी नर्व्स पूरा निकल रही है ना, वो आपको 12 जोड़े याद रखना है पूरा इस पूरे सेगमेंट के लिए। स्पाइनल नर्व्स टोटल कितनी है, 31 है। इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखिएगा पूरा का पूरा, कि एग्जाम में यहाँ पे 32-33 भी कभी कभी देते हैं, लेकिन जब ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि नर्व्स और बोन्स को आप अलग नहीं करते हो। 31 जोड़े यहाँ किस चीज के लिखे हैं, तंत्रिकाओं के लिखे हैं, पेयर्स किसके लिखे हैं, नर्व्स के लिखे हैं, जो हमारी हड्डियों को यानी कि जो स्पाइनल की जो नर्व्स है उनको जोड़ के रखते हैं। मैं यहाँ पे अभी हड्डियों की बात नहीं कर रही हूँ, जो कुछ यहाँ पे चल रहा है वो सारा नर्व्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे नर्व्स को अलग करिएगा, हड्डियाँ आगे अलग से आएंगी वो अलग है। सबसे लंबी तंत्रिका, एक बार इससे रिलेटेड काफी ज्यादा बहस हो रही थी हमारे ग्रुप में, मतलब मैं आपको सीधा सा बताऊं कि जैसे अगर हम लॉन्गेस्ट नर्व की बात करते हैं तो आपके पास सियाटिक नर्व आती है, ठीक है, इसको आप लार्जेस्ट मसल से नहीं जोड़िएगा, मसल्स अलग चीज है, ये यहाँ पे नर्व की बात हो रही है। लॉन्गेस्ट सेल जब पूछा जाता है किसी, पता नहीं मुझे किसी की किसी वेबसाइट पे कहीं और, मतलब किसी के पास ये क्वेश्चन था कि लॉन्गेस्ट न्यूरल सेल कौन सा है, ये क्वेश्चन गलत था वहाँ पे। न्यूरल सेल जो है ना वो अलग चीज होती है, और उन्होंने आंसर जो है ना वो सियाटिक नर्व मार्क करा था। तो आज के बाद आप लोग, हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व जो है ना बोली जाती है, ठीक है, सबसे छोटी, अच्छा ये थिनेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नर्व ट्रॉक्लियर करके, हमारी बॉडी की सबसे छोटी और सबसे पतली जो नर्व होती है वो कौन सी होती है, ट्रॉक्लियर। कोई बताएगा ये कहाँ पे लोकेटेड होती है ट्रॉक्लियर, मैं आपको सबसे लंबी बता देती हूँ। लार्जेस्ट नर्व जो है वो ट्राइजेमियल है, और लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर समझिएगा, यहाँ पे जब सियाटिक नर्व लिखा है तो वो लॉन्गेस्ट है, ठीक है, जब आपको यहाँ पे लार्जेस्ट लिखा है तो वो ट्राइजेमियल है, सबसे बड़ी जो है ना वो ट्राइजेमियल बोली जाती है। अगर थीनेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात करें तो हम, अच्छा हम क्योंकि इनर, हाँ कान में क्योंकि हमारे सबसे छोटी हड्डी होती है तो हमने नर्व्स को उससे रिलेट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं, बॉडी है कुछ भी करेगी, इट्स अ परफेक्ट मशीन, इनमें डिफरेंस है, ये हम क्योंकि कान से रिलेट कर दिए, हमारी जो सबसे छोटी नर्व है ना ट्रॉक्लियर, ये हमारे ब्रेन में मौजूद होती है,
और ये इस तरीके से रेगुलेट रिलेट करती है कि ये हमारी आंख जोड़ती है, हमारे ब्रेन को आंखों से जोड़ती है। तो हम आंख आंसर नहीं करते हैं, सबसे छोटी जो नर्व है थिनेस्ट वो हमारी कहाँ पे होती है, ब्रेन में होती है। तो ये मैं एनोटेशन के साथ आप डाउनलोड करिएगा। लार्जेस्ट सेल हमारी बॉडी का कौन सा है, नर्व सेल। लार्जेस्ट एंडोक्राइन कौन सा है, थायराइड। एमरजेंसी ग्लैंड किसे कहते हैं, एड्रिनल को। और स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी। मटर के दाने के बराबर 0.6 ग्राम इसका यहाँ पे वजन होता है। और जब आप थायराइड लार्जेस्ट बोल रहे हो तो 5 × 3 × 2 ये इसका एक पार्ट के लिए डिफाइन किया जाता है। तो पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी को, यस पिट्यूटरी को पीयूष ग्रंथि लिखा जाता है हिंदी में, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और थायराइड आपकी सबसे लंबी ग्रंथि होती है। एमरजेंसी या आकस्मिक या आपातकालीन ग्रंथि किसको बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को यहाँ पे टर्म किया जाता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड वुमेन्स में कितना होता है, 28 डेज का, ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है। प्रेगनेंसी पीरियड कितना होता है, तो 266 से लेके 270 दिन, जो लगभग लगभग यहाँ पे 8.5 महीने के आसपास बनाता है। मेंस्ट्रुअल का ये पूरा साइकिल दिया हुआ है, 28 दिन का ये पूरा साइकिल होता है, जहाँ पे 5 से 8 दिन जो है ना ये मेंस्ट्रुएशन की साइकिल जाती है। और 13, 14, 15 ओव्यूलेशन, ठीक है। गुड न्यूज़ करके एक मूवी आई है, दैट विल एक्चुअली टेल यू अबाउट मोर। अगर आप वो मूवी देखोगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी, है ना। अच्छा, हड्डियों का कुल संख्या 206। स्मॉलेस्ट बोन जो है ना वो स्टेपिस होती है यहाँ पे, और लॉन्गेस्ट बोन हमारी फीमर। सबसे छोटी हड्डी हमारी यहाँ पे कान में मौजूद होती है, और सबसे लंबी हड्डी जो है वो हमारी यहाँ पे फीमर के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ पे याद रखिएगा। ये मांसपेशियों की टोटल संख्या हमारे पास 639 करके बोलते हैं, चिंटू नहीं है ये। और लार्जेस्ट अच्छा यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन, हमारी लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर समझिएगा। 639 जो टोटल मसल्स हैं, 640 नहीं लर्न करिए प्लीज करके, 640 हमारी मसल्स हैं, लेकिन जब हम जोड़े करके बोलते हैं तो एक हमारी बॉडी के अंदर मसल होती है जिसकी जोड़ा पेयर नहीं रहता है। तो 639, 640, 670 भी कभी कभी आंसर आता है, और कभी कभी आपको 700 भी पूछा जाता है। तो ये जो यहाँ पे ये डिफरेंस है ना, 60 कितनी बोन्स का डिफरेंस हो गया, 60 बोन्स का डिफरेंस हो गया लगभग 640 से 700 में। तो ये जब हम इन इन छोटी छोटी जो मसल्स है ना उनको भी मिला देते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आता है। अब इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में एक ही चीज़ दी होती है, चारों ऑप्शन नहीं दिए होते जो मैंने बोले। या तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे 639 दिया होगा, या 640 दिया होगा, या आपको यहाँ पे 670 करके मेंशन, 670 नहीं मेंशन होता है, 639, 640 या 700, इन तीनों में से एक चीज ही मेंशन होगी। तीनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे लंबी जो मांसपेशी है उसकी अगर हम बात करें, लॉन्गेस्ट में आपको सर्टोरियस याद रखनी है, और लार्जेस्ट में आपको ग्लूटस मैक्सिमस। आपको ग्लूटस मैक्सिमस इसलिए याद है क्योंकि हमेशा लार्जेस्ट पूछा जाता है, राइट। अच्छा, इसी से रिलेटेड आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, इंटरनल जो है वो हमारा लिवर हो गया। हमारा ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है, 20%। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का सिर्फ 2% है, ठीक है, लेकिन वो कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, 20% ऑक्सीजन जो है ना वो टोटल इस्तेमाल करता है। अच्छा, ये फैक्ट हमारा, मेरे ख्याल ये आप में से काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, हमारी जो अंगूठे का साइज होता है ना, अंगूठा जहाँ से आप मोड़ते हो, फाइनल जहाँ से मोड़ते हो, जैसे ये वाला, ये जो लेंथ है ना, इतनी ही लेंथ हमारी नोज की होती है। तो ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इतनी ही हमारी नाक की लंबाई भी होती है, टोटल नोज की जो है ना वो लंबाई होती है। तो यहाँ मुझे पता है आप लोग में से, हाँ नाको नाको आराम से देखो, ठीक है। आर हार्ट बीट्स, अच्छा ये वाली फैक्ट्स देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारा, ये पढ़ना भी नहीं आएगा मुझे, कितनी बार धड़क रहा है ये दिल। एक दिन में हमारा जो हार्ट है ना वो तकरीबन तकरीबन 1 लाख बार धड़कता है, और इतना वो धड़कता है पूरा 1 साल के अंदर। और अगर आप 30 साल तक गिनोगे, 30 ईयर तक गिनोगे, तो हमारा हार्ट जो है ना 1 बिलियन टाइम्स ना बीट कर जाता है, और अपने को पता भी नहीं चलता। दिस इज इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। बाकी इससे रिलेटेड कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है वो लर्न पड़ेगा यहाँ पे, जैसे इट टेक्स अबाउट 20 सेकेंड एक RBC को हमारी बॉडी में पूरा घूमने के लिए। पूरी बॉडी में एक RBC मात्र 20 सेकेंड के अंदर घूम लेती है। कैन यू जस्ट लाइक इमेजिन ये चीज़, पूरा बॉडी में एक RBC पूरा घूम जाती है हमारी बॉडी को सिर्फ 20 सेकेंड के अंदर। तो ये ऐसे सा कुछ है ये आप, अच्छा ये वाला भी,
हमारी बॉडी के अंदर टोटल मिला के कैपिलरीज कितनी होती हैं? जैसे हमारी बॉडी के अंदर, मतलब सिर्फ लंग्स की मैं बात करूं, कहीं और की नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ लंग्स की बात कर रहे हैं। और आप इमेजिन करो कि सिर्फ लंग्स में अगर इतना है तो बाकी कितना सिचुएशन होगा। मिलियन में है, ठीक है, ये मिलियन है, 300 मिलियन नहीं है भैया, 300 कहाँ से आ गया, कितना है ये मिलियन पढ़ने में यार, इतना, मतलब ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने को ना पढ़ने में भी नहीं आती। 3 लाख मिलियन है ना, 3 लाख मिलियन, अगर इतनी हमारी जो कैपिलरीज हैं इनको खुला रोड पे बिछाया जाए ना, तो 2400 किलोमीटर, मेरे ख्याल दिल्ली से बॉम्बे का जो डिस्टेंस है वो 1680 किलोमीटर कुछ गूगल मैप पे शो करता है ना, उससे भी कहीं और आगे 2400 किलोमीटर तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लंग्स की जो कैपिलरीज है ना वो फैल सकती हैं। अब आप इमेजिन करो, अगर हमारी पूरी बॉडी की पूरी बॉडी की कैपिलरीज की बात करेंगे तो मेरे ख्याल एक पूरा इक्वेटर को ही कवर कर लेंगे यहाँ पे, है ना, ये पूरा पार्ट। हमारी बॉडी का एक ड्रॉप, हमारे खून का एक ड्रॉप, बॉडी का नहीं सॉरी, हमारे बॉडी का एक खून का एक ड्रॉप हमारे शरीर में कम से कम 300 बार जो है ना वो कवर करता है, मतलब 300 बार जो है ना वो फिल्टर होता है। तो ये तो शायद अपन ने पहले भी, अच्छा यहाँ पे ओवियोल जो है वो लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, अगर हम सिर्फ फीमेल की बात करते हैं, मेल्स में क्योंकि ओवियोल नहीं होता है, तब वहाँ पे लार्जेस्ट सेल जो है ना वो न्यूरॉन हो जाएगा विद अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। मेल में जो सबसे छोटा सेल होता है वो स्पर्म होता है, राइट, तो ये पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पे। लॉन्गेस्ट मसल तो आपने पढ़ ही लिया, और स्मॉलेस्ट स्टेपिडस करके, अच्छा इनमें कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, ओवम जो है वो लार्जेस्ट सेल है और स्मॉलेस्ट जो है ना वो मेल स्पर्म सेल करके आपका डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। इनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, ये याद है आप सबको। अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो जन्म के समय पे, मतलब ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ, तब से लेके वो 3 महीने तक वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, और 3 महीने के बाद उनको चीजें जो है ना वो रंगीन दिखाई देती है। देखो 3 महीने का बच्चा जो है ना वो इंटरेस्ट ही नहीं लेता, आप उसके सामने कितना भी एक्टिविटी करते रहो, कुछ भी करते रहो, तो उन्हें दिखाई ही नहीं देता, इसलिए वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते। आफ्टर 3 months ओनली दे स्टार्ट टू सी एंड दे स्टार्ट टू विजुअलाइज और टेक इंटरेस्ट इन वट एवर यू आर डूइंग, तो उस टाइम पे उन बच्चों को दिखाई देता है, इसीलिए वो उससे रिलेटेड आप ये पॉइंट याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, द टंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, आपको ये वाला मेरे ख्याल पॉइंट जो है ना वो याद रखना है यहाँ पे। हमारी जो टंग है ना उसकी मसल सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, एक चीज बोलते हैं ना हमारी, और हमारी टंग वो भी है, मैंने आपको शायद इससे पहले बताया होगा कि हमारी टंग जो है ना इस पे अगर घाव लग जाता है, चोट लग जाती है, कट जाती है, तो ये बॉडी का सबसे मतलब जल्दी हील होने वाला ऑर्गन है, ठीक है, मतलब सबसे जल्दी रीजनरेट नहीं बोलेंगे, अच्छा इस वर्ड को रीजनरेट नहीं बोलेंगे, ये वूंड है तो ये हील होगा, इट विल नॉट रीजनरेट। रीजनरेट का मतलब होता है खोए हुए ऑर्गन को दोबारा लेके आना, अगर जीभ थोड़ी सी कट जाए ना, मतलब बिल्कुल ही अलग हो जाए, तो वो रीजनरेट नहीं करेगी, वो दोबारा उसी कंडीशन में नहीं आएगी। रीजनरेशन हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ लिवर करता है और कोई भी नहीं करता। आपने एक स्टेटमेंट सुना है, जीभ पे लगने वाले घाव जो है ना वो बहुत जल्दी भर जाते हैं, लेकिन जीभ से लगने वाले घाव जिंदगी भर ही नहीं भरते, है ना, ये मतलब अलग ही स्टेटमेंट है, अलग ही लेवल का है, ये समझने की कोशिश करना है इसको। अच्छा ये, इट टेक्स 17 मसल्स टू स्माइल, है ना, जितनी कम मसल लगेगी एनर्जी उतनी कम लगेगी, और गुस्सा होने के लिए या इरिटेट होने के लिए 43 मसल्स, तो आज मेरी काफी सारी मसल्स काम कर दी हैं तो उल्टा हो गया है, 17 मसल हमको हंसने के लिए लगता है, तो देखो हंसने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, सो कीप स्माइलिंग, राइट, और 43 मसल जो है ना वो अपने को चाहिए होती है दुखी होने के लिए, तो एनर्जी जहाँ कम खत्म हो वहां चलाइए, हंसीए ज्यादा तो एनर्जी जो है ना वो कम खर्च होगी, पढ़ाई में ज्यादा खर्च फिर लगेगी। हमारा बॉडी 1 ट्रिलियन सेल्स का बना है, ये सारी चीजें आपको पता है, बच्चे के अंदर 300 बोन्स होती हैं, बड़े होते होते वो फ्यूज कर जाती हैं, है ना, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल आपको पता लग गया हार्ट बीट पर। अच्छा हार्ट बीट यहाँ पे अगर 70 लिखा है तो थोड़ा सा उसको समझिएगा, द नॉर्मल पल्स इज 70 हार्ट बीट्स पर मिनट, हार्ट बीट के हिसाब से नॉर्मल पल्स होती है, तो अगर 72 बार अगर हार्ट धड़क रहा है तो हमारी पल्स रेट कितनी होगी 70, इसीलिए स्टेटमेंट के पहले ही आपको क्लियर कर दिया चीजें, ठीक है।
अच्छा, ब्लड इज 6 टाइम थिकर, फेशियल हेयर ग्रो फादर देन। अच्छा, हमारे जो चेहरे के जो बाल होते हैं ना, वो ज्यादा बॉडी से भी जल्दी तेज की ग्रो करते हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी विदाउट ब्लड सप्लाई। एक बार ये चीज याद रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में अकेला ऐसा पार्ट जिसके अंदर ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, वो कॉर्निया। ठीक है, नेत्र दान करने में कॉर्निया दान करना इसीलिए आसान होता है क्योंकि वो उसकी डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के साथ सप्लाई नहीं होती है। तो अगर किसी का कॉर्निया दान में दिया जाएगा तो उस पर्सन को कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, और उसको जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली एयर से ही मिलती है, इसीलिए हमारी एयर में हमारी आंखों में कंजक्टिवाइटिस और ये सारी दिक्कत क्यों हो जाती है, क्योंकि कॉर्निया जो है ना उससे रिलेटेड करता है। अच्छा, हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग नेल्स ऑन द मिडल फिंगर, हमारी जो पूरी पांचों उंगलियां है ना उसमें से हमारा नेल सबसे जल्दी जो बढ़ता है वो मिडल फिंगर का बढ़ता है। मतलब यहाँ बाकी के जो नेल्स हैं उनकी ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है। द रीजन इज यहाँ पे जो मसल्स हैं तो डेड सेल होते हैं, तो उनको जो प्रोटीन वगैरह जो मिलना होता है ना वो थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है। अच्छा, एक ह्यूमन हार्ट इतना प्रेशर जो है ना जनरेट करता है ब्लड को पंप करने के लिए जितना वो 30 फीट ऊंचाई पे ले जाने के लिए, मतलब अगर उतना ही प्रेशर किसी खुली ट्यूब में लगाया जाए ना तो वो ब्लड 30 फीट तक ऊपर जा सकता है। 30 फीट समझ रहे हो, 5 फीट अगर हम 5.5 फीट 6 फीट के हैं तो उतना आप लेके जाओ वहां पे, 30 फीट तक वो उसको ऊपर लेके जाया जा सकता है। टूथ का आपको पता है, हमारे दांत जो है ना अकेला, हमारी पूरी बॉडी में दांत अकेला ऐसा ऑर्गन, मैं बोल ऑर्गन तो नहीं बोलेंगे, एक हिस्सा बोलेंगे जो अपने आप को कभी रिपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, नॉर्मल ब्लड काउंट आपको पता है, ब्लड का आरबीसीज का दूसरा नाम आपको पता है एरिथ्रोसाइट करके बोलते हैं, डिस्कवरी कार्ल एंड सीनर के द्वारा की गई थी। व्हाइट प्लेटलेट सबका आपको कंटेंट पता होना चाहिए। ह्यूमन ये हीमोग्लोबिन का कंटेंट याद रखिएगा, फीमेल के अंदर 11 से 12 हो सकता है और मेल के अंदर 14 से 15 जो है वो हो सकता है। पीएच यूरिन का 6.5 से 8 डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर, और पीएच ब्लड का कांस्टेंट है, आप पानी कितना भी पियो लेकिन ब्लड का पीएच हमेशा 7.3 से 7.4 के आसपास रहता है। ठीक है, ओके, दैट्स द लास्ट पेज एग्जैक्टली आई गेस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपको पता है, ब्रीदिंग रेट याद रखिएगा, श्वसन दर कितनी होती है हमारी, तो 12 से 16 मिनट जो है ना वो हमारी श्वसन दर। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। पीडीएफ ऑफ कोर्स, पीडीएफ मैंने अपने लिए नहीं रखी है ना, ये अंडे नहीं देगी मेरी पीडीएफ मेरे पास रह के, तो श्योरली आई आई पास इट ऑन टू यू। अभी मैं पीडीएफ आपकी अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास लेट्स डिसाइड करना है। देखो शायद कुछ मैसेज वगैरह का इशू है, मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर लेती हूँ लेकिन उसको थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाएंगे, अदरवाइज मेरी मसल सारी की सारी खराब ही हो जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर रही हूँ लेकिन थोड़ा सा 5-6 मिनट के बाद, है ना। शो नहीं हो रही, शो हो रही है भैया, बिल्कुल हो रही है, शो तो क्लास हो रही है, अभी मैं आ रही हूँ आपका। ठीक है, मतलब 9 बजे, 9:05 तक शुरू करते हैं, 9:05, 6:07 तक शुरू करते हैं, तो चलिए उस क्लास में मिलते हैं। यहाँ के लिए गाइस थैंक यू सो मच, पीडीएफ मैं आपकी 9 बजे की क्लास के बाद जो है ना वो अपलोड करूँगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड मीट मी इन 9 o'clock क्लास।